हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसके आर के पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके बताने वाला हूँ कि स्नैपचैट के ऐप्स के बारे में। जैसे कि स्नैपचैट ऐप्स बहुत सारे आदमी लोगों के पास होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास स्नैपचैट ऐप नहीं है। लेकिन अगर होगा तो आप कैसे यूज़ करते हैं, फुल डिटेल्स आपको मालूम नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। फुल डिटेल्स आपको फुल डिटेल्स दे दूंगा, कैसे मल्टीप्लाई फिल्टर से अपना फोटो क्लिक करेंगे, कैसे फोटो क्लिक करेंगे मल्टीप्लाई फिल्टर से अपना वीडियो क्लिक करेंगे, कैसे वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो को डाउनलोड करेंगे, कैसे अपना फोटो को डायरेक्ट गैलरी में डायलॉग करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को फोटो को खींचना मालूम है, जैसे कि स्नैपचैट के अंदर फोटो खींच लेते हैं लेकिन फोटो को डायरेक्ट गैलरी में लेके नहीं आ पाते। तो फ्रेंड्स, कैसे अपना फोटो को डायरेक्ट गैलरी में लेके आएंगे, इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल्स बताऊंगा। और उसके अंदर अपना स्टोरीज वगैरह भी देते हैं, जैसे फेसबुक फेसबुक स्टोरीज देते हैं और से यूट्यूब में स्टोरीज देते हैं, सेम स्टोरीज वगैरह भी अपना कि स्नैपचैट के अंदर दे सकते हैं। एंड कैसे फुल डिटेल्स आपको सेटिंग वगैरह फुल डिटेल्स आपको बता दूंगा, कैसे आप लॉग इन करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको पास स्नैपचैट होगा तो आप थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे पास लोगों के पास स्नैपचैट नहीं है तो ऐसे यूज़ करेंगे, फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपके पास स्नैपचैट होगा तो आप जैसे कि डाउनलोड करना मालूम नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तो डाउनलोड कैसे करेंगे, क्लैड में कैसे लेंगे, फुल डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते वीडियो की तरफ। वीडियो का अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना कि किस तरह का वीडियो आपको पास जरूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से डाउनलोड करना है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगर जिन भाई के पास प्ले स्टोर ऐसी एप्लीकेशन होगा तो वो एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे स्नैपचैट सर्च कर लीजिए। स्नैपचैट सर्च करने के बाद यहाँ पे स्नैपचैट का जो ऑप्शन आएगा, जो पहले वाला ऑप्शन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद थोड़ा देर वेट कर लीजिए जो कि डाउनलोड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि शुरू से दिखा रहा हूँ जो कि जो बिगिनर है उनको पूरा पता चले, जो अगर जो बिगिनर नहीं है उनको थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन जो बिगिनर है उनको पूरा पता चलना चाहिए। तो मैं शुरू से दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलेगा कि डाउनलोड करना मेरे को मालूम नहीं है क्या, लेकिन डाउनलोड करना बहुत सारे लोग को मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है ना। तो इसलिए मैं जो बिगिनर है उन लोगों को दिखाने के लिए शुरू से दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। फिर अगर आपके पास नया लॉग इन करना है तो लॉग इन कर लीजिए, ऐसे साइनअप करना है साइनअप कर लीजिए। साइनअप कर दीजिए। साइनअप क्लिक करके यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल सकते हैं, जो भी आपका नाम है। मैं जो कि मेरा चैनल का नाम रखता हूँ। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कोई मायने नहीं रखता है, ऐसे ही आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे योर यूज़र नेम, मेरे यूज़र नेम जो है, यहाँ पे यूज़र नेम भी आप चेंज माई यूज़र नेम क्लिक करके अपना यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं, जो भी अपना यूज़र नेम है ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा, 8 डिजिट का एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला पासवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर है वहाँ पे मोबाइल नंबर आपको सेट कर से आप कंट्रोल कर लीजिए। मोबाइल नंबर एंड इंडियन, तो आपका इंडियन होगा। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आप ऐसे फिर से कंटिन्यू कर लीजिए। आपका जो भी ऐसे आप फ्रेंड, अगर आप ऐसे फ्रेंड ऐड कर सकते हो, ऐसे फ्रेंड भी ऐड कर सकते हैं, जिन जिनको आपको ऐड करना चाहते हैं ऐसे ऐड कर सकते हैं। स्किप भी कर सकते हैं, मैंने स्किप कर दिया, जैसे कि मैं रेड कर लीजिए। यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। वो भी एक इमेज आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, स्किप भी कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल के लिए एक इमेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा था, ऐसे आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने इनका जो एप्लीकेशन में जो इमेज है वो इमेज भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेव कर लीजिए, तो यहाँ से आपको सेव कर लीजिए। यहाँ से अपना बॉडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपने जो कि फुल डिटेल्स में यहाँ पे आपको कैमरा का जो ऑप्शन आएगा टर्न ऑन कर लेना। अब यहाँ से अपने कैमरा वगैरह को भी टर्न ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपना जो कि आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि अपना फ़िल्टर भी यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा फ़िल्टर ऐसे ऑप्शन है, जैसे कि बहुत सारा पानी भी है और बहुत सारा ऐसे आपको यहाँ से मल्टीप्लाई, जैसे कि फ़िल्टर आप यहाँ से क्लिक करके कुछ भी एक, जैसे कि मैंने इसमें क्लिक किया, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, क्लिक करके एक फ़ोटो आपने खींचा लिया ऐसे। जैसे कि आपको फ़ोटो कैसे ऐसे कुछ लोकेशन का मांगेगा तो आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेना। जैसे कि आपने ऐसे फ़ोटो खींचा लिया, जैसे कि इस तरीके से एक फ़ोटो खींचा लिया, आपको फोटो को सेव करने के लिए यहाँ पे सेव वाला जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। जब सेव वो इस पर क्लिक करके आपको फोटो जो है इस एप्लीकेशन के अंदर सेव हो गया, लेकिन आपको गैलरी में नहीं जाएगा। तो आपको गैलरी में जाने के लिए, तो फ्रेंड्स तो पहले मैं आपको बता दूँगा कैसे वीडियो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ से जो भी आप जैसे कि फिल्टर में आप इमेज में क्लिक करेगा तो उसको जैसे दबा के रखना है तो आपका वीडियो जो कि क्रिएट हो जाएगा यहाँ से। इस तरीके से आपका वीडियो क्रिएट होगा, वीडियो को भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपना जो कि वीडियो वगैरह सब कुछ सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप कैसे अपना गैलरी में डाउनलोड करेंगे, तो इस तरीके से इसीलिए फ्रेंड्स आपको जैसे कि इस पर इसमें दो ऑप्शन आएगा, जैसे कि एक साइड जो कि इमेज वाला ऑप्शन, एक साइड आपका जो कि इसका जो जितने भी फोटो खींचे इसका आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने जैसे एक वीडियो एक फ़ोटो खींचा हूँ, तो इसके लिए आपको जैसे कि जो भी क्लिक करना है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जैसे कि इसको इस तरीके से क्लिक करना है एंड आपको जो कि एक ऑप्शन आएगा इस पर राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से जस्ट तो क्लिक करके डाउनलोड वाला जो
इमोजी ये ड्रैगन वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करके तो आपका जो कि फोटो जो है आपको गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से अपना फोटो भी यहाँ से गैलरी में लेके आ सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। और बहुत सारा और भी ऑप्शन है जैसे कि वीडियो कैसे आप बना सकते हैं यहाँ से, इस तरह से वीडियो बना के यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत सारे वीडियो भी जैसे कि बाहर कंट्री का आ रहा है वीडियोस, तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो भी छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने सभी देखा कि स्नैपचैट ऐप कैसे यूज़ करेंगे, फुल डिटेल्स आपको पता चल जाएगा होगा, कैसे डाउनलोड करेंगे फोटोज़ वगैरह को, कैसे गैलरी में डायरेक्ट लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसा हुआ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में कौन सा एप्लीकेशन का वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका कमेंट देख के मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, किसी तरह का वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।